गुल्लक में मर ली पैसे स्कूटी के लिए। एंड मंकी एंड मेरे कुत्तू सिड्डू खा रहा है, मेरा बंकू सिड्डू खा रहा है, नाराज हो गए थे तो इसने तेल फेंक। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? तो पिछले कल शाम से हमने किया है घास काटना शुरू। मुझे तो लग रहा है ये प्रलय जो हुई थी और जो हम बेरोजगार हुए थे वो इसलिए हुए थे ताकि मैं घर में बैठ के घास काट सकूं। सुबह घास, शाम घास, घास 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 ही काटा मैंने घर में आके, और मैंने कुछ नहीं किया। तो अब वो घास काटने का काम हुआ है शुरू। जितने भी खेतों में घास लगाया है, जिसको हम बोलते हैं बाजा, जो हम सुखाते हैं सर्दियों के लिए, फिर जब सर्दियाँ होती तो तब हम गाय को देते हैं। तो अभी आज फिर भी लेट उठी हूँ, अब थोड़ा टाइम बाद ऐसा आएगा जब मौसम भी कुछ तो बादल थे सुबह सुबह 5-5 बजे, सुबह 6-6 बजे से नींद में ही चले होते घास के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको कितना घास काटा है कल। तो अभी भी मम्मी पापा गए खेत में खाना बना रही, उस मैंने भी जाना है खेत। घर में बैठने का मतलब कि घास काटो। अगर मैं गई होती काम पे, काम चला होता तो शायद मैं इस वक्त वहाँ काम पे गई होती। इतना बड़ा बगीचा भी, खेत है सारे बच्चे हुए। मैं जा रही हूँ खेत घास काटने, मम्मी और पापा है खेत में, आपको भी ले चलती हूँ। घर का काम करने के बाद अब खेत का काम। नाला, खेत नाला, यहाँ पे नाला है इस खेत में। ये सुसाइड कर रहा है क्या? अभी मैं यहाँ आ रही थी तो यहाँ देखो चूहा। ओए चूहे, चूहा पता नहीं ऐसे हिल रहा था और यहीं पे उश, उश। नहीं तो अभी सांस ले रहा है, बिल्ली आई तो खा जाएगी इसको, मर रहा है ये। या ये बच्चे तेरी है, ये भी बच्चे तेरी है शायद। यहाँ पे सफाई की गई थी, पहले पहले हम यहाँ पे गाय बांधते थे अपनी, तो यहाँ पे गाय होती थी, नीचे साइड हम बैल बांधते थे। इतने ज़्यादा गाय होती थी हमारे पास पहले, मतलब 4-5 होते थे टोटल। तो अभी हमारी एक गाय बीमार हो गई थी तब से हमने ऊपर ही उनको बांधना शुरू किया, ये पार्स की गाय दोनों। तो यहाँ पे थी लकड़ियाँ, तो उनका वो जो जब सड़ गई तो उनमें इस तरह की मिट्टी निकली। तो अब ये वाली मिट्टी मैं यूज़ करूँगी प्लांट्स के लिए, तो अभी मैं ले चलती हूँ इसे, प्लांट्स अभी लगाएंगे हम। ये तब से तड़प रही है बेचारी का, भीतर का भी उधर पता नहीं क्या हो गया इसको। घास साफ कर लूँ उसके बाद मैं प्लांट्स लगाऊँगी, अभी बहुत कुछ मुझे देखना पड़ेगा नए नए प्लांट्स। तो चलिए यहाँ तक तो मैंने अभी घास निकाल दी, मैं आपको पहले बिफोर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगी। तो अभी धूप नहीं थी तो मैंने सोचा बादल है तो मैं काम कर सकती हूँ। तो चलिए हमारा बिफोर है, घास लगी है थोड़ी थोड़ी मैंने फिर भी काटी, यहाँ वाले प्लांट भी मैंने काट दिए हैं, हमारा बिफोर। तो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको आफ्टर दिखाएंगे। ये भी इतना निकाल दिया, अच्छा ये इसमें बंद आ गया है। तो ये यहाँ पे गिरा था शायद चिड़िया का बच्चा है, लग तो कुछ ऐसा रहा, यहाँ किसी ने देखा भी नहीं। और ये देखिए प्लांट पत्थरों में, अभी ये प्लांट मैंने निकाल दिया, विनका का प्लांट है ये। तो मुझे कुछ ये बल्ला मिले प्लांट्स के, ये घास। अभी यहाँ पे झाड़ू लगाना बाकी है, बाकी कुछ खाली पोली हुआ, ये प्लांट सूख गया, ये अभी मैंने लगाऊंगी अभी पॉट में। बहुत सारे एलोवेरा के प्लांट हैं, कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, और ये देखें एलोवेरा, एलोवेरा बहुत सारे। इसके अलावा भी बहुत जगह है, हाँ किसी को ख़रीदने हैं तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। तो अभी मैं कुछ खाली पोली हुआ ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रहे प्लांट्स लगाने के लिए। ठीक है, आ गया मेरे साथ अंदर, इसको फेंकना पड़ेगा बाहर जाके। ये सारे प्लांट लगाए तो धूप भी आ गई, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे पास एलोवेरा के प्लांट हैं, इनको थोड़ा सा ठीक करने को, ये बहुत अभी मैंने रखे हुए थे प्लांट्स के बीच में, कुछ इस वजह से ग्रीन रह गए और कुछ के पत्ते इस वजह से ख़राब हो गए। तो ये देखिए थोड़े थोड़े इसके पत्ते ख़राब हो गए और ये पूरा ग्रीन का ग्रीन है। थोड़ी इनकी कटाई छटाई करते हैं हम, और यहाँ पर भी एलोवेरा के बहुत सारे प्लांट हैं। अपना बिजनेस ग्रो करते हैं,
मेरे पास लहंगे भी रेंट पे है, ज्वेलरी भी रेंट पे है, तो अपना बिजनेस ग्रो करने का तो मेरा मुझे मन ही नहीं करता है। जिनको पता है वो तो मुझे बोलते हैं, जिनको नहीं पता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए इसको लेके, तो अब ज़्यादा मन नहीं करता। गांव के लोग, जो नज़दीक के लोग हैं, वो ही मुझे बोलते हैं, तो उन्हीं से कांटेक्ट करती हूँ। जो ऐसे जो मुझे देखते हैं दूर दूर से, उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है। तो इसमें एक साथ 3 प्लांट लगे हैं, ये पत्थर चट्टा, दूसरा सकुलेंट एलोवेरा, और ये देखिए जीवन कुंभर चुभ गया। कुंभर बिच्छू, इसकी पीठ पे बच्चे हैं और एक बच्चा इसका यहाँ पे गिर गया। तो ये मैं अभी यहाँ सफाई कर रही थी प्लांट, ये पॉट मैंने उठाया और इसके नीचे निकला बिच्छू, और पीठ पे इसके बच्चे, एक बच्चा शायद यहाँ गिर गया इसका। बहुत सारे कीड़े मिल रहे हैं, कभी चूहा, कभी बिच्छू, कभी ग्रास हॉपर, कीड़े कीड़े मिल रहे हैं मेरे पास, कभी सामने हर कहीं लगे हुए। यहाँ पर इनको हल्की सी मिट्टी मिल गई ग्रो होने के लिए, तो ये पत्थर चट्टा यहाँ पर ग्रो हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या क्या कीड़ा मिला। सबसे पहले मुझे मिले शायद मकड़ी और उसके बहुत सारे बच्चे, जो एक पोटली पोटली के अंदर बंद थे वाइट कलर की, और जैसे मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया वो भाग गए। फिर मुझे मिले वो सेंटीपीड, बहुत सारी पैरों वाली, तो दो छोटी छोटी अलग अलग जगह। फिर उसके बाद मुझे मिली एक ये बिच्छू, सबसे पहले तो मुझे चूहा मिला था जो अंदर है, अभी तक पता नहीं वो मर रही है या बच्चे पैदा कर रही है। फिर जब मिले मुझे बिच्छू नहीं, फिर मिली मुझे वो ग्रास हॉपर, जिस हम पता हम बॉन्ड वाली पता नहीं क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, वो कमीज़ में चिपकी हुई। फिर मुझे मिली बिच्छू, उसके पीठ पे ढेर सारे बच्चे, 5-6 चीज़ें अब तक मिल चुकी है। अब देखते हो गए सबसे बड़ा क्या सरप्राइज़ मिलेगा। धूप भी लगी है तो मैं देखती हूँ उस चूहे को, यही है मैं पेट पूछा करने। जितना मैंने घास निकाली उसको मैं भी ऐसे रखूँगी, शाम जब होगी अब तब मैं इसको उठाऊँगी, गाय वाला गाय उठूँगी बाकी नाले में। हाँ बापे भी उसकी खादी बनती है। तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठेंगे, फिर दोबारा से काम। यह तुम्हारे पर गई है और वो भी यहाँ आके वही दरवाजे के पास आके। अब ये घास फेंकूंगी मैं नीचे। ओ भाई ये तो रहते शू पापा नीचे पेड़ पे। हाँ अगर कर उठे हैं चाय पियेंगे फिर खेचे। मैंने रोज़ रोज़ अनार खाया, आज खाई गई इससे अनार तो मैंने खाया नहीं, तो अभी मैं तोड़ूंगी और यहाँ से ये गिरने के डर में मैं केले में लगी और यहाँ पे पानी भी आता अंदर, तो सावधानी पूर्वक मैं तोड़ती हूँ एक अनार। पत्ते अगर पक्का होगा तो टॉप के अनार है, टॉप के मैं हरा निकला। अब इसको वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे खाना ही पड़ेगा। पहले मैं खींचा रही हूँ, उसको ला के खाऊंगी इसको शाम को। धूप ऊपर से लेकर नीचे तक। हाँ निकल ऊपर ले जा ऐसे थन के ऊपर और ऊपर। हाँ और ऊपर। हाँ अब कट्ठा करके ला नीचे को दूध। तू डर गाय डर। हम गूंदेंगे आटा, सिद्धू बनने की तैयारी आज। बंद कर इसको कुत्ते और बिल्ली। मत बोला मैंने मैं मानू दो ना थप्पड़ पर जा पर जा पर बैठ। अब लड़े तुम ना भूत फेंगे नहीं, तो अब देखी चांद दिख रहा है इसके ऊपर है वो चंद्रयान जो भेजा नीचे जमीन से ऊपर दिख रहा है तेरे को ऊपर। क्या क्या कर रहा है वो दिखा दे एक मेरे को तो दिखाई दे मैं तो बुढ़ी ने देख क्या कर रहा है चल रहा है कि रुक का एक फोटो खींच रहा है कि झंडा ये दिखाई दे रहा था वो झंडा था उसके ऊपर। हाँ क्या कर रहा है वो झंडा सीधा बैठा है सीधा बैठा है वो भी चुपचाप बैठा है चल रहा है फोटो फोटो खींच रहा है वो चांद की क्या हो रहा है फोटो खींच रहा है खींच रहा है ये चांद गोल है क्या डाइटे डाइक मेडा कैसा है ऐसा है चंदा मामा दूर के पार्थ फिर से गुस्सा हो गया इसको और कोई काम आता नहीं है। पहले थोड़ा तेल मैंने गिराया जब मैं डाल रही थी
उन्होंने पूरा कप इसने तेल का यहाँ, वो पता है इसने गलती की है, थोड़ी देर ऐसे चुप रहेगा फिर मैं क्यों गया, फिर रोते रोते भाग जाएगा, रुक जाएगा और अभी यहाँ बैठेगा जब तक ये इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, थोड़ी बाद फिर वापस आएगा अपने आप। रहने दे पहले आ जा, खुद आएगा ये। राजू है तुम तो ना मेरा कुत्तू, स्कूटी देगा तू मेरे को इस बार राखी में, नीचे रखे गुल्लक में मेरे लिए पैसे स्कूटी के लिए, है ना कि है मेरा कुत्तू सिड्डू खा रहा है, मेरा बांकू सिड्डू खा रहा है, नाराज हो गया थे तो इसने तेल फेंका यहाँ पे, नाराज हो गए थे, बड़ी मुश्किल से खाना खान, स्कूटी देगा कि छूट देगा। सुन मैंने रखी एक ड्रेस सिलेक्ट करके मेरे को दे पैसे, मैंने लेनी वो, ठीक है ठीक है ठीक है ना, रखी पैसे ले तेरे को। हाँ एन मंकी, एन मेरा कुत्तू, एन मेरा पार्थ बिल्लू। गुड नाइट दोस्तों, बहुत रात हो चुकी है, अब मैं सो रही हूँ सिड्डू खाने के बाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।